क्लास सेवन चैप्टर अपन ट्वेल्व कर रहे हैं स्टार्ट। और आपको फिर आप इंट्रोडक्शन करेंगे, चैप्टर नाम अलजेब्रिक व्यंजक। नीचे पर कुछ वर्ड्स लिखने, कुछ टर्म्स लिखिया ने जिन्होंने आप डिस्कस करेंगे कि जेडे बेसिक्स है ने वो की होते ने। देन फिर आप जी एक्सरसाइज ते वर्क ऑन। फर्स्ट लिखा आप अलजेब्रिक लिखा हुआ है, देन एक बार इंग्लिश में बोलते अलजेब्रिक। मैथ से चार साइन होते हैं आपके को, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, इन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। आप इन चीजों साइंस को किस तरह यूज करते हैं, किस तरह के इक्वेशन बनाते हैं, वो आप कहते हैं अलजेब्रिक व्यंजक। दैन लिखा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब है कि इन साइंस को यूज करके आप किस तरह आप एक्सप्रैस करते हैं, किस तरह उन्होंने शो करते हैं, वो आप बोलते हैं व्यंजक। जस्ट लाइक आप लिखते हैं टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स आप लिखते हैं, ठीक है। बट किलो पॉइंट से थोड़ा साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। आप साइन को यूज किया, दैन आप एक एक्सप्रेशन बना लिया, ना रहा ना एक व्यंजक जोड़ा है अपने को बन गया, एक इक्वेशन जी समीकरण बन गया अपने। दैन वह वेरीएबल, वेरीएबल से वेरीएबल का मतलब होता है जो सा फोन जोड़ा है वाइब्रेट करता, वाइब्रेट करता ना वेरिएशन चेंज आती है, कोई भी चीज़ आ जिसे परिवर्तन आए वो आप बोलते हैं वेरीएबल चेंज होना, ठीक है। मौसम आ वेरीएबल है, दोपहर का शाम का सवेर का अलग तरह का होंगे ना, सो वेरीएशन आती है आप बोलते हैं वेरीएबल। सो वो वाले फैक्टर वो वाले जेडे अपने को शब्द हो जो किसी चीज़ में चेंज लैके आन आप वेरीएबल बोलते हैं। हुण इहदे विच आपां इसी एक्सप्रेशन नूं लैके चलांगे, इहदे विच आपणे कोल वेरीएबल ने आपणे कोल कड़े ने एक्स एंड वाई, ये वेरीएबल ने। वेरीएबल किस तरह के ध्यान नाल वेखो, मैं लिखिया टू एक्स, आपां एक्स नूं मंनिया जीरो, आपां एक्स दी जगह जीरो पर सॉरी वेखो आपां लिखिया जीरो, ए कितना बन गया आंसर जीरो, मल्टीप्लाई हो गया ना। हुण एक्स दी वैल्यू आ गई वन, टू वन दा टू दो आ गया, मतलब कि जे एक्स चेंज हो रहा है तो आंसर चेंज हो रहा है ना, एक्स की वैल्यू चेंज होने के नाल जितना एक्स होता उन्होंने घटू ना मल्टीप्लाई करें, एक्स जीरो आ टू जीरो मल्टीप्लाई किया टू जीरो जीरो, क्या एक्स वन या वन मल्टीप्लाई किया टू का टू वन का टू, एक्स आप टू लवेंगे टू टू का कि आ जाएगा टू टू का फोर, फिर थ्री लवेंगे टू थ्री का सिक्स, मतलब कि आंसर जोड़ा वो चेंज होगा, परिवर्तन होगा ना आंसर के वो एक्स के नाल की आ उहदे विच कोई ना कोई जिहड़ी वेरिएशन आ वह आ रही है। जो वेरिएशन आई वेरिएशन का मतलब कुछ चेंज आ गया, वेरिएशन जिहड़ी चीज वेरिएशन लैके आती थी उसको आप कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। दैन नैक्सट वर्ड आता है कॉन्सटेंट, कॉन्सटेंट का मतलब होता अचल। देखो चल नहीं क्या ना, चल का मतलब कि जिस तरह मैं चल रहा मैं वेरिएबल से है, वो आप अगे स्टैप कटते हैं या पिछले जा रहे हैं स्टैप अपना मूव करते हैं वो अपना वेरिएशन है। कॉन्सटेंट होता कि कोई चीज स्थिर खड़ी है, जस्ट लाइक ब्लैक ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड एक क्या होया ना, हुण जे इसी बोर्ड को ही बोर्ड जो स्टैंड पर हो स्टैंड मूवेबल हो इस तरह होना वेरीएबल हो, इन मैं जिस तरह अपने एल ई डी बॉल के स्टैंड ना वो घूम जाती है, ठीक है, वो घूम जाती है एक फिक्स होंगे कोई भी टिकी रही है जी टिकी रही कोई कॉन्सटेंट रही है, वो जो स्टैंड मूवेबल हूँ वो आप वेरीएबल कहेंगे। मैंने कहा कॉन्सटेंट, हम कॉन्सटेंट कि देखो हम छे आ छे ने छे ही रहना वा, छे ना कुछ नहीं ना लगा, छे की वैल्यू छे ही रहनी, छे को क्या गुणा करेगा किसी ना भी नहीं कर सकते, ठीक है। इतने एक्स इतने वाई है तो वाई की वैल्यू होगी उन्हें गुणा हो जाएगी तीन, एक्स की वैल्यू होगी एक्स गुणा हो जाएगा, बट सिक्स का तो सिक्स ही रहना वा हमेशा छे ही जुड़ना वा। सो कॉन्सटेंट की हो गया अपने को छे, मतलब जिंद ना कुछ भी लगा ना हो ना कला नंबर दिता हो कोई वो आप कहते हैं कॉन्सटेंट। फिर आता टर्म्स, टर्म्स होंगे ध्यान समझना, जे एक साइन हो दो पद होंगे, ठीक है, टर्म को भी बोलते पद का पद एक साइन हो कितने टर्म बन गए दो, किस तरह बन गए ध्यान रखना, मतलब कि आप लिखते हैं मैं प्लस लिख लिया, प्लस लिख लिया इस साइड पे मैं दो एक्स लिख लिया, इस साइड पे मैं तीन वाई लिख लिया,
लिख लिया। देखो एक साइन लगाया था उधर दोनों साइड से कोई ना कोई वैल्यू इधर भी आई है, कोई ना कोई वैल्यू इस साइड भी आई है, दोनों साइड से वैल्यू आई है। इनू अपना कहेंगे टर्म, इनू पद बोलते हैं अपना, ठीक है। एक हो गया देन आ गया, हो गया दूसरा पद, दो पद हो गए टर्म या पद। जे एक साइन हो गए दो पद होंगे, जे साइन मतलब जे साइन दो हो दो साइन इक्वल टू के तीन पद, ठीक है। इस तरह जिन्ना भी एक साइन जिन्ने साइन होंगे उस तो एक ज्यादा वो टर्म जो है पद बनेंगे, ठीक है। जे तीन साइन होंगे कितने पद बनेंगे अपने को, जे तीन साइन होंगे कितने पद बनेंगे चार, जे चार साइन होंगे फिर पांच, मतलब जिन्ने भी साइन है वो तो एक ज्यादा है टर्म जो पद जो अपने को बनने चाहिए। थीटा का फैक्टर गुणनखंड, ठीक है। हम गुणनखंड का मतलब की है आप लिखिया 4x प्लस 9y लिखिया। हम 4x के गुणनखंड की बन सकते हैं, 4x के 4 को कब इधर लिख सकते हैं 2 2x लिख सकते हैं, 9 को इधर लिख सकते हैं 3 3y लिख सकते हैं, ये लिखा गया। हम जेडे a आए अपने कोल 3 3 ने फैक्टर हो गए, ठीक है। y भी ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, 2 2 x ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਂਝੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਆਵੇ। ਸਪੋਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ 18, ਹੁਣ 18 ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, 18 ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ 9 ਤੇ 2 ਕੋਈ 9 ਤੇ 2 ਆ ਗਿਆ, 9 2 18 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 2 ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 9 ਆ 9 ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਤੇ 3 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹਦਾ 18 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰੁਕਿਆ, 3 ਤੇ ਇਹ 3 ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ 2 ਤੇ, 18 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 3 ਤੇ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। क्लियर? देन अब आपको लाइक टर्म, लाइक का मतलब जिस तरह दो में मार कर दी, ठीक है, दो में वो लाइक के अनलाइक से फर्क होता है। जो दो चीजें सेम होती हैं एक चीज ना देखने होती है उन्हें लाइक बोलते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक जिस तरह आपके पास दो में मार कर दी, ठीक है, दीज आर लाइक, इको जी ना इको जी ये चीजा नहीं आप इन लाइक बोलेंगे। अनलाइक का मतलब की हो गया, हम अपने को पेन आ देखो कि पेन अपने को ब्लू आ, आ पेन अपने को रेड आ, जी आप कलर से जाइए दोवें इंक रेड है यदि इंक कि ब्लू, ठीक है। तो दोवें की ने अनलाइक, अलग अलग चीजा ने ना अनलाइक, कोई ना कोई चेंज आ दोवे जो दोवें चीजा वेखो सेम ने एक जी ने कोई चीजा उन्होंने आप कहोंगे लाइक, like as like as you मतलब जिद्दा दे तुसी उस तरह दा होआ, ठीक है। like as blackboard, ठीक है, white होता कलर white होता ना, हाँ। like as milk, इन्ना white चिट्टा है कि like दूध दी तरह है दूध, ठीक है। ये चीजें अनलाइक होंगी यानी ना डिफरेंट होंगी यानी देन जिड़िया सेम होंगी ना पर लाइक बोल देंगे, ठीक है। और इस तरह ही अपने को मैथ दे चला लाइक टर्म्स देन अनलाइक टर्म्स आती है, समान पर या असमान। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲਾਈਕ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ x, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ x ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, x ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 5 5 x ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 x, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰਕ ਆ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਈ ਉਹ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਪਦ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ 2x ਅਤੇ 5 ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਵਲੀ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾ 3xy ਅਤੇ 8xy ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ xy ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ xy ਲੱਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ xy ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ xy, ਇੱਧਰ x ਇੱਧਰ x ਆ, ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ z ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ z ਆਊਗਾ। ਲਾਈਕ ਟਰਮ ਫੜ ਲਈ,
ਇਕੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅਨਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 2x ਅਤੇ 3z ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆ ਜ਼ੈਡ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2x ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ੈਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਨਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਪਦੀ ਦੋ ਪਦੀ ਤਿੰਨ ਪਦੀ ਬਹੁ ਪਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੋਨੋ ਮੋਨੋ ਵਰਡ M O N O ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਨੋ ਮੋਨੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੋਨੋ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੋਨੋਪਲੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਨੋ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੋਨੋਪਲੀ ਉਹਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੋਨੋਪਲੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਮੋਨੋ ਨੀਅਰ ਇੱਕ ਪਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਰਮ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਪਦ ਹੋਊਗਾ 2x ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੋਊਗਾ ਦੋ ਪਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਦੋ ਸਾਈਨ ਹੋਊਗਾ ਤਿੰਨ ਪਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਟਰਮ ਨੂੰ ਪਦ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀਰੋ ਸਾਈਨ ਆ ਇੱਕ ਪਦ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਆ ਦੋ ਪਦ ਆ ਦੋ ਸਾਈਨ ਆ ਤਿੰਨ ਸਾਈਨ ਆ ਤਿੰਨ ਸਾਈਨ ਆ ਚਾਰ ਪਦ ਆ ਦੈਨ ਅਦਾ ਨੋਮੀਨਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਰ ਬਾਈ ਨੋਮੀਨਲ ਬਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3x + 4y ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਪਦ ਬਣਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਾਈ ਨੋਮੀਨਲ ਜਾਂ ਦੋ ਪਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਤਿੰਨ ਪਦੀ ਟ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰਾਈਨੋਮੀਅਲ ਟ੍ਰਾਈਨੋਮੀਅਲ ਟ੍ਰਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਣ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਗਲ ਦੁਆਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇਨੋਮੀਅਲ ਲੱਗ ਬੋਲੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਦ ਹੋਣਗੇ ਤਿੰਨ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਪਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਚਾਰ ਟਰਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪਦ ਹੋਣਗੇ ਸਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਦੋ ਸਾਈਨ ਦੋ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3x + 4y + 6 ਟਰਮ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਦੋ ਦੋ ਸਾਈਨ ਆ ਤਿੰਨ ਪਦ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਆ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਈਨ ਆ ਇੱਕ ਪਦ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦ ਆਣੇ 4 5 6 7 8 9 ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ 'ਚ 1 2 3 4 ਆ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆ 2x + 3y - 5x + 6x ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਕੇਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖੂਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ